नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी कटर। मैं हूं सनी। मैं अभी मंगेश के गांव में हूं। जिस प्रकार से मंगेश के साथ वारदात की गई है, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर हुआ है और जाति को देख के किया गया, क्योंकि सुल्तानपुर लूटकांड 28 अगस्त को होता है। मंगेश को 3 तारीख को लेके जाते हैं रात्रि 2 बजे, उसके बाद 5 तारीख को सुबह में उसका इनकाउंटर कर देते हैं, और एसटीएफ वाले बोलते हैं कि मुठभेड़ में इनकाउंटर हुआ है। और एसटीएफ वाले का ये भी कहना है कि मंगेश बहुत बड़ा अपराधी था। अभी मैं मंगेश के गाँव में हूँ और खास बातचीत करने के लिए उनकी बड़ी मम्मी लगती है। बड़ी मम्मी है। अच्छा, मंगेश के ऊपर आरोप लग रहा है कि मंगेश बहुत बड़ा अपराधी था, तो आप क्या? ऐसा अपराधी ना था, मंगेश अच्छा लड़का था, और कोनो भी ना कोनो था रहा, तो हमें सब साथ में आवा है, कोनो चीज काम धंधा हर चीज भैया करे, कोनो कब ना को चोरी करें, कब कुछ ना करें है। इसके पहले कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जिससे उसका मुकदमा दर्ज हो? एक भैया हम लोग तो बगल है ना, मालूम ना बाटे हमें। हाँ, वो जब एक बार है मोबाइल उबाइल के बारे में ज़्यादा उठा रहा है, लड़के ही लड़ रहा ना, मोबाइल उबाइल की माने छीने उने रहे, कहा रहा बात ही से सुने रहे मुकदमे बाटे। हाँ, हम कहे भैया मंगेश तू का करत है, कहाँ चाची ऐसे हो गए वैसे हो गए। हाँ, हंस ले कौन था, कौन दिक्कत है ना रहा भैया। अच्छा, आप अभी बताए थे कि उनकी मम्मी बड़ी मनौती से मानी थी। हाँ, तब मनौती हमारे से इनका पापा बोले काकी का तो दिखाए खाए दे उधर रहे थे, अरे उठा कही रही हो मनौती। हाँ हाँ, दिखाए खाए दे तनी अच्छे से, तब वो दिखाए तो यहाँ एक दर तब कैसे कैसे भाई रहन भैया। हाँ, उनके भाई हमें सब खत्म भयन, बहुत दुख हुआ, कहा कह जाए तब कैसे उनका जान लेन, कैसे कहा भा कि दर्द ना लागता। अच्छा, मंगेश कितना कितने घर में है, उनके घर में कितने लोग हैं? मंगेश दो पापा दो भाई हैं ना। अच्छा, हाँ, अलग अलग सब हैं। अच्छा, सब अलग। हाँ, अभी एक में हो गए हैं सब। अच्छा, खाना पीना को चाची बनाती है। अच्छा, वो चाची जो होती है अच्छे से बनाती करती है। मंगेश जैसे मंगेश भाई मंगेश और उसकी बहन बस ये? हाँ, बस दो लड़का। अच्छा, एक लड़की का लड़का। अच्छा, तो अपने आप फिर था हो गए तो बंद हो गए उनका। अच्छा, बंद भी। उसकी मम्मी देखो तो बहुत सीधी शादी जन चल जाओ सीधी शादी थी, तो कौन चीज़ ना उठा रहा। मंगेश के पिताजी कह रहे थे हम उसको जब ऐसे जब चोरी उरी मोबाइल किया था तो उसको हम लेके गए थे गुजरात में। हाँ, गुजरात गए रहे भैया। अच्छा, तो लाइसेंस बना रहा उनके। अच्छा, एक बार हमारे वो जेठ लड़का का गाड़ी ने कहा चाची में लाइसेंस हम दे तू सब लेके जाए दे दुआर करे के रहा, तो ये भगना ही जाए दे तो सो आई गए ड्यूटी पर से मेरे जेठा जेठ लड़के हैं देवर खाएन। तब कौन ना उठा रहा, आई गए ना, लेके जाते ना ये गाड़ी सीखे रहे हैं, कौन सीखे था रहे उनके पिता ड्राइवर है। हाँ, हम कहे भाई इतनी उम्र का हमने चार चक्का तू चला ले, कहाँ हमारे लाइसेंस बन गया हो। सब था वो ना करे, पिताजी के साथ गए रहे भैया। अब ये मौका रहन है, ये मौका रहन है, कुल खेती अच्छे से करे हैं उन्होंने गुरु भाई सब हो खेती। हाँ, धान भी लगाए। हाँ, धान भी लगाए ना अपने अच्छे से काम करें। कौन चीज़ ना था रहा भैया, पता ना कैसे कहा उनके नसीब में रहा। आपको भी लगा मंगेश के झूठा फंसावा? झूठा फंसावा भैया, हम लोग बहुत टेंशन उनके बारे में, तो कैसे कैसे मार देना ये हो तब लड़कियाँ मिले ना। हाँ, मैं तो खत्म। हाँ, बहुत बहुत दुख हुआ काका जाए। आप रोने लगे भैया, इसे सोच ले थे हम लोग तो हमें घबराहट हो जाता, बीपी था हो जाता, इसे जुकड़ा कह लेते गाइस भाई उनके नसीब में, उनके माँ बाप का नसीब यही रहा, उनका दियत बुझिए। अच्छा, उनके घर वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले 2-3 दिन लगातार आए थे, तो आप भी देखे होंगे थे पुलिस वाले? ये भी हमारा आगे घर बना। अच्छा, हम ना हम थोड़ा हम दबाव खाए नहीं सोए हो गए, सुने कि पुलिस आए रहे तो वकील दे ना था रहा। हाँ, मैं लोग ना आते वो जो अगमना घर है दो तलवा का। हाँ, वही वही हमारे में बगलिया। हाँ, इधर बगली भाई। हाँ, ऐसा भाई सब आए रहे बड़े लोग देखे हैं, बाकी थोड़ा हिम्मत ना पड़ा ना आई हुई अब कुल ठीक है भैया। अच्छा, मंगेश बारे में तो कुल ठीक ही रहा भैया, पता नहीं का पुलिस वाले गलत क्यों? हाँ, पुलिस वाले गलत। और आत्म कैसे आए दो वो तीन परिवार रहें तब सुबह आओ तो सब मैंने देखे होते ना, रात में आए खराब होता कहे उन्हें डरवाए दे पता का बोले का कहें का था रहें मम्मी पापा वो लड़की रही वो रहे तो बची थे, तब कभी किसी बात कर लेते हम लोग तो हद से जाए पुलिस देख के। अब इतने डर लगता है कि पुलिस आ गए हैं तो अभी शादी वर्दी में आते थे वर्दी पहन के भी नहीं आते। हाँ, सुने रहे भैया कि शादी वर्दी में आए हैं। अच्छा, तो और जो दिन युवा एक दिन अगवा तो भगवान गैस कहाँ है कहाँ को मालूम ही नहीं, तो यू ना बताए उनको मम्मी मम्मी पकड़ ले गए हैं कहाँ है, थोड़ा मम्मी कर जाने की हंसे सब। अच्छा, ये चाची मंगेश की थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कितना की ये बता सक
पढ़े चला गए बम्बई, ये मोबाइल के था में हाँ वो बम्बई चला गए मोबाइल के बारे में लगे जाए हाँ वो सुरती खाए कुछ पीता था ना हम तो वो डाटी भाई का तो सुरती खाता है कहाँ थोड़ा से खाए लागे तब हम कही मन सुरती नहीं खाए के तनि मन तब अरे बाकी माई थोड़ थोड़ खाए जैसे मंगेश के दो तीन साथी थे और थोड़ा सी तरिया चाची जैसे मंगेश की दे रहा था अच्छा मंगेश के जैसे दो तीन साथी थे एक सचिन सिंह पूछ उनको नहीं मारा गया मंगेश को मार दिया गया तो जाति यादव नाती करें हाँ यादव नाते भाभी की भाई है यादव नाते है अब यादव से कुल था भाई भैया कौनो कमियों करते तो लोग मारे बंद कर दिए होते ना बंद कर देते ना जेल बंद करते उनको पापा होते छोड़ोते तब जैसे सबके मार सुताई माए मारे तो है तब गोड़ हाथे में हाँ तब भाई जैसे था रहता है और भैया तो और यह अच्छा रहा भैया पता नहीं और कुछ कहेंगी सरकार से जो सरकार इतना गंदा काम की मंगेश के साथ अब सब घर में जाए दे भाई कहा सरकार में जाए दे कहा था कही भाई ऊपर वाला भाई उनके लिखा बता रहा कहा बात रहा मनाई भग मार दे भगवान भी मार रहते कुछ भाई होता है लाइन मारे हो तो कहा मारे होते ही हो कैसे हो गए ना बाकी कैसे इतने जैसे जान ले लें तब इन सबके ही दुख होत भैया ना अभी मेरे साथ मंगेश की बड़ी मम्मी थी उन्होंने बचपन से बताया कि मंगेश की मम्मी को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए मंगेश की मम्मी ने बहुत सारी मनौती मांगी मानी तमाम डी बाबा गांव में बोला जाता है भगवान के मंदिरों में जाते दो साल बाद बार उतरवाए रहे भैया वहाँ पे बार उतरा रहा उनका दो साल का आगे होते उनका मम्मी कहाँ कि भैया को बोले मुड़ू रू फिरा मुड़ू उड़ो फिर उनका कहाँ मुड़ू फिर उठा रहा है कहाँ चलते हम कहे हम कहे मनौती पूर करे है उनका पापा सूरत रहा वहीं रहते रहे गुजरात तब गए लिया हम ही तब अपनों पर चार चक्का करें मंगेश हाँ लिया गए बुआ रही बार रोपिन हाँ बार रोपिन हाँ पद होता है कुल भैया भाई मनौती अब उनका पूर भरा तब वो कहाँ कहीं पढ़ा लिखा ना है उड़ो उड़ो फिर आए वही नाते मनौती पूर उनकर कही गए तब भैया अब ठीक रहे न तब एक चीज चाची और पूछेंगे एक वीडियो वायरल ले ले हाँ एक चीज जैसे वीडियो वायरल हुआ मंगेश को जो चोरी हुआ उसमें मोटा दिखाया जा रहा है मंगेश क्या मोटा था पतला था ऐसे ये तो मोटा चढ़ो ज्यादा पतला ना तो और सब तरफ रहन भाई हाँ इसे तो ज्यादा ना पतला ही रहन ज्यादा था वही रहन था जैसे फोटो दिखा रहे हैं वैसे ही हाँ वैसे था वैसे ज्यादा थोड़ा ना भाई थोड़ा ना रहता थोड़ा बहुत रहा वही हाँ किसी खाए पिए में थोड़ा ना करे हर चीज खाना पीने तो उनका मम्मी पापा वहाँ पापा खाए पिए तो लाल मंगेश की बड़ी मम्मी मेरे साथ थी इन्होंने और कुछ कहेंगे क्या नहीं भैया चल रही है तो ठीक हो और मंगेश को बड़ी मनौती से मंगेश पैदा हुआ था उसके बाद क्या दादा का नाम बा हमारा नाम रामजीत है मंगेश के दादाजी हैं मंगेश के दादाजी हाँ 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 अच्छा मंगेश के साथ जो घटना घटी कि ये पुलिस वाले हाँ रात को दो बजे रात को दो तारीख ले गए हैं हाँ सही बात है उसका सही न्याय होना चाहिए उसका इनकाउंटर कर दिए हाँ काउंटर कर दिए इसके बाद जो है कितने मनाती पैदा भर रहे हैं मनाई होई के भाई उसका सही न्याय होना चाहिए हम यही कहेंगे हाँ सरकार जो है सही न्याय दे ले जा करके मार करके जो है कर दिए लाल ये तस्वीरें मंगेश के गांव की थी अभी मैंने मंगेश की बड़ी मम्मी से बात किया अब उनके दादाजी बताएं और मंगेश बड़ी मनौती से पैदा हुआ था और दो ही साल पहले उसका मूड़ का यानी सर का बाल उतारा गया था किसी धार्मिक स्थल पर फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए मुझे देखते रहेगा सनी क्रिएटर मैं आपका सनी धन्यवाद।